हे गाइस, वेलकम बैक। सो टुडे इन दिस वीडियो, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह अपने एंड्रॉयड ऐप में एक स्पिनर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नल वैल्यू के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये एक स्पिनर है ये हमारे एंड्रॉयड ऐप के अंदर, जिसमें यहाँ पे लिखा है चूज योर बर्थडे मंथ। तो जब आप इस स्पिनर को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे मंथ्स आ जाएंगे। और ये जो स्पिनर है इसमें एक नल वैल्यू है, जो इसकी फर्स्ट वैल्यू है वो नल है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर से सारी वैल्यूज स्टार्ट है। तो एज यू कैन सी कि जब मैं किसी भी मंथ पे क्लिक करूँगा तो वो यहाँ पे टेक्स्ट व्यू में शो होने लगेगी। तो आप इस चीज़ को कैसे अपने एंड्रॉयड ऐप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल क्रिएट करेंगे। उसके लिए अपना रूट लेआउट, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कॉन्स्टेंट लेआउट है, तो इसको मैं लीनियर लेआउट पे चेंज कर लूँगा। और इसकी ओरिएंटेशन हम रखेंगे वर्टिकल। ओरिएंटेशन वर्टिकल, देन ग्रेविटी सेंटर। इसके बाद यहाँ पे हम एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे, जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, हाइट होगी रैप कंटेंट, जिसमें टेक्स्ट होगा, टेक्स्ट कलर ब्लैक, इसमें टेक्स्ट होगा चूज योर बर्थडे मंथ, टेक्स्ट साइज होगा 20 SP और ग्रेविटी होगी सेंटर। देन इसके बाद इसके नीचे हम एक और लीनियर लेआउट क्रिएट करेंगे, उसकी विथ होगी मैच पेरेंट, हाइट, सॉरी इसकी विथ होनी चाहिए मैच पेरेंट हाइट, रैप कंटेंट। इसकी ओरिएंटेशन हम रखेंगे हॉरिजॉन्टल, ध्यान रखें, देन ग्रेविटी सेंटर। इसके अंदर हम एक टेक्स्ट व्यू का यूज़ करेंगे, फिर से टेक्स्ट व्यू जिसकी विथ होगी 200 DP, देन हाइट होगी 50 DP। इसमें हम हिंट देंगे चूज मंथ, हिंट कलर एंड्रॉइड ब्लैक, टेक्स्ट साइज 20 SP, मार्जिन टॉप 10 DP, देन हम यूज करेंगे स्पिनर, इसकी विथ होगी 40 DP, हाइट 30 DP एंड देन आईडी हम इसको दे देंगे स्पिनर। ग्रेविटी सेंटर फाइन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा जो लेआउट है वो कंप्लीट हो गया है। चूज योर बर्थडे मंथ, चूज मंथ, और ये एक स्पिनर यूज़ किया है हमने। अब हम चलेंगे एक्टिविटी मेन डॉट जावा पे, तो वहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो मेन एक्टिविटी डॉट जावा में सबसे पहले हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, टेक्स्ट व्यू सिलेक्टेड मंथ, इसका हम सिलेक्टेड रखेंगे, देन प्राइवेट स्पिनर, स्पिनर इसके बाद ऑन क्रिएट मेथड के अंदर हम इसको रेफरेंस देंगे, सिलेक्टेड इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट 1 मिनट, हियर वी फॉरगेट टू गिव हिंट। यहाँ पे हम एक हिंट दे देते हैं इसको भी, सिलेक्टेड
मंथ, सो इट्स फाइन। आईडी व्हाई इज इट शोइंग एरर? सिलेक्टेड मंथ then spinner equals to find view by id r dot id dot spinner। इसके बाद हम एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें हम सारे मंथ्स को डालेंगे। उसके लिए सबसे पहले लिखना है लिस्ट, देन स्ट्रिंग, देन कैटेगरीज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, एरे लिस्ट के बाद कैटेगरीज कैटेगरीज डॉट एड जीरो, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन रहेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूज मंथ, देन अगेन कैटेगरीज डॉट एड जनवरी, कैटेगरीज डॉट एड फेब्रुअरी, कैटेगरीज डॉट एड मार्च, देन कैटेगरीज डॉट एड अप्रैल, देन कॉपी दिस अप्रैल के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मई, देन जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, देन दिसंबर। यहाँ पे हमने सारी जो आइटम्स हैं वो ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद हम एक एरे अडाप्टर क्रिएट करेंगे, आई मीन उसका यूज़ करेंगे। तो उसके लिए एरे अडाप्टर, देन अगेन स्ट्रिंग डेटा स्ट्रिंग एरे अडाप्टर, डेटा अडाप्टर, देन अगेन यहाँ पे डेटा अडाप्टर इक्वल्स टू न्यू एरे अडाप्टर, then inside this we will write this we will write this then android dot r dot layout dot simple spinner item simple
आइटम कॉमा कैटेगरीज देन क्लोज दिस एंड अगेन वी विल राइट डेटा एडाप्टर देन सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स सेट ड्रॉप डाउन व्यू रिसोर्स देन अगेन एंड्रॉइड डॉट आर डॉट लेआउट डॉट सिंपल स्पिनर ड्रॉप डाउन आइटम And again, now we will use the variable that we have created, spinner dot set adapter, data adapter. Now here we will use spinner dot set on item selected listener. तो जब हम आइटम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद क्या होगा वो कोडिंग हम इसके अंदर करेंगे सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर सेट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर जैसा कि आप मुझे देख जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये आ गई है फर्स्ट को चूज करके न्यू देन एडाप्टर व्यू डॉट ऑन आइटम सिलेक्टेड लिसनर तो यहाँ पे हमारी मेथड आ गई है तो यहाँ पे हम यूज करेंगे इफ स्टेटमेंट देन वी विल यू राइट इफ एडाप्टर व्यू डॉट गेट आइटम एट पोजिशन गेट आइटम एट पोजिशन आई डॉट इक्वल्स इक्वल्स चूज मंथ Else. तो इसके अंदर हम क्या कोड करेंगे कि जब भी आइटम आप सिलेक्ट करोगे तो वो उस टेक्स्ट व्यू में शो होगा तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा सिलेक्टेड डॉट सेट टेक्स्ट एडाप्टर व्यू डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम डॉट टू स्ट्रिंग तो इससे क्या होगा कि जो आइटम आप सिलेक्ट करोगे वो उस टेक्स्ट व्यू में आ जाएगा जिसको हमने उसके जस्ट साइड में रखा है तो ये ऑन सो इनसाइड दिस ऑन द थिंग सिलेक्टेड जब आप कोई भी आइटम सिलेक्ट नहीं करोगे तो वहाँ पे आपको क्या कोड करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ तो अब हम अपने ऐप को रन करके देखते हैं कि सक्सेसफुली रन हो रहा है और टेक्स्ट टेक्स्ट व्यू में शो हो रहा है कि नहीं तो आइए इसको चेक करते हैं इन केस इफ यू गेट एनी एरर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में करके बताएं मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ऐप स्क्रीन पर सक्सेसफुली रन हो रहा है जब मैं क्लिक करूंगा तो एज यू कैन सी कि यहाँ पे कैटेगरीज आ गई हैं और ये हमारा चूज मंथ फर्स्ट नंबर पे इसको मैं क्लिक करूंगा तो कुछ भी नहीं हो रहा इसके बाद जब मैं अप्रैल को चूज करूंगा यहाँ पे अप्रैल आ गया जैसा कि आप देख सकते हैं मतलब हमारा ऐप सक्सेसफुली रन हो रहा है इसमें कोई भी एरर नहीं है जब मैं दिसंबर को चूज करूंगा तो यहाँ पे दिसंबर आ गया तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा स्क्रीन पे जो ऐप है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह इस स्पिनर की वैल्यू को फायरबेस के स्टोरेज आई मीन रियल टाइम डेटाबेस में सेव कर सकते हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आया हो क्योंकि मैं फ्यूचर में और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज अपलोड करता रहूँगा Thank you for watching.